आपको बाकी चीजों की तो तकलीफ है, लेकिन आपको अपने मजहब का क्यों नहीं पता? मजहब का पता है, मैं आप ग्रुप में से रिमूव ना करें ना, ग्रुप में रिमूव देखिए, ना करें, मैं इस ग्रुप ठीक से है, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, आप मुझे बिल्कुल रिमूव ना बिल्कुल, करें मैं प्लीज। आपको सिखाने के लिए तो फोन किया है, आप सीखो ना। देखो, आपको मैं स्पेशली टाइम दे रही हूँ, आपको जो है वो ग्रुप से रिमूव करके आपको पर्सनल क्लास दे रही हूँ, ठीक है ना। पर्सनल क्लास में सबसे पहले तो अच्छा, आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप आगा खानी क्यों है, आप मुसलमान क्यों नहीं है? आगा खानी किसने कहा? आखान है क्या? आप आखान के बारे में मुझे बताओ, आपको आखान के बारे में पता है आखान क्या तो चीज है? हाँ, हाजिर इमाम बोल देते हैं, हाजिर इमाम के मुरीद क्यों हो तो आप? आखान, देखो आपको बता रहा हूँ, आखान एक टाइटल है जो कि इमाम को मिला उसको हुआ है, आखान का मिला टाइटल है। है, अच्छा, ठीक है? हाँ एक सेकेंड, हाँ आगा खान टाइटल आपके आपको आपके इमाम को नहीं मिला हुआ, उनके दादा को मिला हुआ था, और ईरान ने दिया है। दादा को जिसको भी मिला है, बिल्कुल शाह ईरान ने दिए, मुझे सब बात पता तो है, सुनो, बात तो शाह ईरान सुनो, ने दिए। हाँ हाँ बात तो सुनो। अब आपके वाले साहब को उनकी खिदमत की वजह से किसी गवर्नमेंट ने कोई कोई टाइटल दिया होगा, तो आप शाह क्यों? ईरान ने दिए, बात तो सुने, मिसाल दे, ईरान के बादशाह ने। सही है मिसाल सही है सही है, दे, ये सुन रही आपके हूँ। आपके वालिद साहब को उनकी खिदमत पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट या ईरान की गवर्नमेंट कोई भी खिताब देती है उनकी खिदमत पर, आप दो नस्लों जी के बाद आते हो कि मेरे दादा को मिला था फला फला खिताब, तो अब मैं भी जो हूँ वो तमगा इम्तियाज का मालिक हूँ, ऐसा तो नहीं करोगे ना? आपने तो खिदमत की नहीं है, आपने तो खिदमत आपके दादा ने की थी, तो शाह और ईरान अच्छा, तो हमारे मौजूदा इमाम के बताओ, पास कितने टाइटल्स हैं और कितने मेरे खिताबात हैं, आपको पता है इसका? आप बात जरा सुनो, सर्च करो, बात तो आप सुनो। काउंट करके थक जाओगे, हमारे इतने इतने मतलब हाँ हाँ हमारे सारे मौला को टाइटल मिले मेरे हुए। पास ही बहुत सारे हैं, वो तुम सुनना पसंद नहीं करोगे जो मेरे पास अच्छा टाइटल है। अच्छा बताओ, चलो मैडम दो तीन तो बताओ, दो तीन तो बताओ ना प्लीज, आपने टाइटल, आपको क्या क्या टाइटल मिला हुआ है? मुझे मैंने दिया है हाँ आपके नाम को, उसका पूछ रहे हैं? नहीं, मैं आपके टाइटल से मुखातिब वो नहीं, मतलब मेरा तो वाकिफ होना पता है चाहता हूँ, एक आपको कौन? चाहिए, हमें तो एक ही लेबल पसंद है कि हम हैं उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नहीं उम्मती, तो हम भी उम्मती हैं, हमने है ना? कोई खुद, ओ मैं भी मैडम तो आप आपके कहने से क्या होता है, मैं उम्मती हूँ, अपने आप को मानता हूँ, तो आप मुझे उम्मती ना बनाने से क्या फर्क पड़ता है? बात तो सुन लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि हाँ वसल्लम की उम्मती जो है वो, जाहिर सी बात है, उम्मती में तो सब वही आएंगे, इवन वो भी आएंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम पर नहीं रहे, लेकिन वो हैं तो उम्मत ही ना। अब वो नहीं उनको फॉलो नहीं कर जी रहे, ठीक है। अब आप जो है ना वो जी उम्मती बेशक होंगे, लेकिन आप उम्मती होने का हक अदा नहीं कर रहे, आप वो उम्मती हैं कि जिनके पास जब, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने मेरे बाद मेरे दीन में बिद्दतें बनाई थी, मेरे दीन में तुमने इजाब की थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे लोगों को हौज़े कौसर का पानी भी नहीं देंगे कि जिन्होंने उनके दीन में सही है, तो तोहीन। आप मुझे बताएं, दीन में कितने फिरके बन गए अभी, आप बताइए, इस्लाम में कितने फिरके बन गए? आप बताइए। पेशेंगोई कितने की? 73 की हुई थी, और आप कितने हैं? 73 की पेशेंगोई तो रसूल सलाम ने खुद की है ना? बात सुन लीजिए, मैंने गिनती नहीं की है, हाँ, हाँ इतना तो पता गिनती है। नहीं किया, हमारे रसूल ने क्या पेशेंगोई की थी एक जमाने में, कि मेरे मेरे जो उम्मत है वो कितने फिरकों में बटेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पता फरमाया है? था, बात बात सुन लो ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, वसल्ने आपको पता फरमाया है? था नसारा नसारा 71 फिरकों में बटे थे, यहूद 72 फिरके में बटे थे, मेरी उम्मत और 73 इस्लाम? फिर। बात तो सुन लो, आपको सब्र नहीं, तो आप कह रहे मुझे सीखना है, मैं सिखा रही हूँ, तो सीखने के लिए ठीक है सुनना ठीक पड़ता है, है। हाँ तो मैं सुन रहा हूँ ना, हूँ कहाँ? आपने फरमाया कि मेरी उम्मत जो है वो 73 फिरकों में बटेगी, तो आपने जी तो आगे ये मजीद सही फरमाई, फरमाया कि 72 फिरके दोजख में जाएंगे, सिर्फ एक फिरका जो है वो जन्नत में जाएगा। तो सहाबा कराम ने अल्लाह पूछा, अकबर अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अच्छा आपकी आवाज रिकॉर्ड में कर रहा हूँ, मतलब आपको इजाजत है ना, वैसे आपकी आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल मेरी आवाज रिकॉर्ड करो, और मैं भी कर ही रही हूँ ताकि मैं उसको लगा सकूं, क्योंकि एक ही क्लास लेते हाँ, ये हो। आपका काम तो यही है, मुझे पता हाँ है, मैंने मगर आपके ग्रुप में जितना भाई स्टडी किया आप लोगों के, हाँ मेरी आपका काम यही है, ठीक है, कोई बातें मसला नहीं सुनो, है, अच्छा सुनो, कोई मसला नहीं है, कोई मसला, मेरी मेरी ठीक है। उम्मत जो है वो 72 फिरकों में 73 फिरकों में बट जाएगी, उसमें से 72 फिरके दोजख में जाएंगे, सिर्फ एक फिरका जो है वो जन्नत में जाएगा। साहब कराम ने अच्छा, वो फिरके का पूछा, नाम पता है? बात तो सुन लो, इतने तुम जज्बाती हो रहे हो, बात सुनो, समझ ठीक आएगी। है
साहब ठीक ने है। पूछा या रसूल अल्लाह, वो एक फिरका जो जन्नत में जाएगा वो कौन सा होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक फिरका जो जन्नत में जाएगा वो होगा जो मेरी सुन्नत और मेरे असहाब की सुन्नत पर चलेगा। आगे समझ। अच्छा, ये अब अजहाब की सुन्नत का कोई मतलब आप किस किताब से बता रहे हैं, मुझे किताब का रेफरेंस दे सकते हैं? सल्फुस्सालिहीन, इनका पता है आपको कौन होते हैं सल्फुस्सालिहीन? सलफुस्सालिहीन यानी के चार जो इमाम है, मेरे भाई इनमें से किसी का किताब है? इधर आ गए। ये तो तुम्हारी हालत है। सही है ना, हम तो बहुत लेकिन यादना थे, हम बहुत यादना है ना नॉलेज के अब मैं रास्ते में, मैं आज तुम्हारी ही बता दूसरी, रहा हूँ। देखो देखो कौन है एक ये, मतलब ये क्या खाने की चीजें पीने की चीजें मुझे नहीं देखो पता ना, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। शफकत भाई, मैं आप तुम्हें फिर भी भाई कह रही हूँ। ये एहतराम के काबिल हाँ, वो लोग हैं जब जिनका जिनका जिक्र जो है ना वो हदीसों में और कुरान में आता है। इसलिए पहली हदीसों में, पहली बात कुरान में। हाँ सुनो। सही फरमाया, सही। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो इन इन लोगों की किताब में है ये, सुनोगे कि नहीं सुनोगे कभी मैं कोई सुन रहा हूँ। हदीस? हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं देखो सुन रहा हूँ। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे बाद तीन, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली, उनके साथ जो लोग थे वो पहली जनरेशन, उसके बाद दूसरी और उसके बाद तीसरी, यानी कि ताबईन, तबा ताबईन यानी असहाबे रसूल के साथ जो आपने जिंदगी गुजारी वो, फिर उनके ताबईन और फिर तबा ताबईन। इन तीन के बाद जो है वो इस्लाम, इनको फॉलो करने का हुक्म है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन पर दीन महफूज रहेगा। उसके बाद जो है जो चीजें आएंगी उसकी उसकी गारंटी नबी ने नहीं दी थी, ना हदीसों में जिक्र है। अब असहाबे रसूल सल्लल्लाहु ठीक अलैहि वसल्लम उनको कहते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे, उनके साथ इस्लाम सीखा, कुरान सीखा, कुरान की तशरियां सीखी, हदीसें जो है वो जमा की, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को महफूज किया। उसमें हमारे चार खुलफाए राशिदीन आते हैं, मौला अली करम अल्लाह वजह जो है, मौला अली अलैहि सलाम वो आते हैं, और इसके बाद जो है वो हजरत हसन, हजरत हुसैन, जितने भी आइमा जो दीन पर रहे तमाम उन पर आता है। अब बाद में जैसे कि आप लोगों के यहाँ जो चीजें अला जिक्र सलाम से बदली गई हैं, उससे पहले तो आप लोग भी नमाज पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, यानी कि वाकया सही क्या है आता है कि किला अला मौत में तमाम लोग जो थे जो इस्माइली थे वो उस वक्त रोजे से थे, ठीक है, 23 जो थे, बिल्कुल 17 रमजान जो थी किला अला मौत में, तो आप लोग आपके जो इस्माइली अबाव अजदाद थे वो रोजे के साथ थे। लेकिन जो जो बिल्कुल 23वां इमाम था ना अला जिक्र सलाम, उसने क्या किया, वो जी दाई का बेटा था, वो इमाम तो था नहीं, सही तो है। उस वक्त उन्होंने ये मशहूर किया था कि ये दाई का बेटा है, दाई का बेटा है। और उसके बाद उन्होंने एक दिन उठे और उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ना वो इमाम की तरफ से एक फरमान लेके आया हूँ। तो वो जो हाँ सही है, ठीक आपके है। अला जिक्र सलाम ने आकर ऐलान किया कि अब तुम्हारे ऊपर कायम कयामा हो गई है, तुम लोग शरीयत की पाबंदी से आजाद हो गए हो, और तुम्हारे लिए अब जो है वो नमाज, रोजा, हज, जकात, इनकी जो है वो बातें ताबील वो हो गई जो शरीयत में नहीं है। तो आप लोगों ने क्या किया, इमाम ने कहा कि अब तुम अपनी पीठ जो है, ये आप लोगों की किताब से बता रही हूँ, अब अपनी हाँ ठीक पीठ है, ये जो हमारी किताब में है, पढ़ा हुआ है मैंने। ठीक पढ़ा है, रही ये हूँ, पढ़ा हुआ है और मैंने। अपना अपनी पीठ जो है वो किबला रुख कर दो और अपना हसन, रोजा जो है ना हाँ वो तोड़ दो, और रोजा तोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग शरीयत की किसी भी पाबंदी को नहीं मानते, उसमें आ गया आपके इवन गुसल जो है, गुसल है, तहारत है, वजू है, उसकी भी बातनी नहीं है, नमाज है वो भी आपकी बातनी है, रोजा भी बातनी, हर चीज बातनी है। तो शरीयत को तो आप मानते नहीं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जो मेरी सुन्नत पर अच्छा, इसमें चलेगी? एक एक मिनट रुक सकते हैं, एक मिनट रुक बोलिए। सकते हैं। अच्छा, जो शरीयत अभी फॉलो नहीं करते हैं, जो अभी भी किसी भी शरीयत के कोई भी ऐसे अमल मतलब जाहिरन होता है ना, इसको फॉलो नहीं करते हैं, क्या वो इस्लाम से खारिज है या वो जी इस्लाम में बिल्कुल, है? मुझे इसका जवाब बता सकते हैं? जी जी बिल्कुल वो खारिज इस्लाम से खारिज है, बिल्कुल खारिज है। वो इस्लाम से खारिज है। यानी जिस रसूल सलाम की दाढ़ी थी, अब आज के दौर में किसी मुसलमान के पास दाढ़ी नहीं है, तो इस्लाम से खारिज है? लेकिन आपको पता है दाढ़ी का जो हुक्म है वो मुसलमान मर्द पर फर्ज है, इसी तरह जो फर्ज है ना? हिजाब, ठीक है, बात अब सुन लीजिए, दुनिया में, बात हाँ सुन ठीक लीजिए है, मेरे अब भाई, आप, बात सुन लीजिए, हाँ सही, हाँ ठीक है ठीक जिस तरह नमाज के लिए ये हुक्म है ना, तो नमाज तुम पर फर्ज है। अगर कोई नमाज हाँ पढ़ता फर्ज नहीं है, है तो हाँ वो अपना फर्ज पूरा करता है, अगर वो नहीं पढ़ता तो वैसे तो हदीसों में ये अल्फाज आता है कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफर किया। अब वो कुफर नबी किया, जिसने बिल्कुल कहा ठीक है, ये हम भी कहते हैं था, ये। सुनो तो सही भाई, वो कुफर कर दिया उसने, वो काफिर हाँ हो गया। अब लेकिन वो कलमा दोबारा हाँ नहीं ठीक, पढ़ेगा, क्योंकि वो उस तरह का उसने कुफर किया है जिस तरह के उसमें वो
ये नहीं कहेंगे कि वो बिल्कुल काफिर हो गया, मतलब काफिर मतलब उसने इनकार किया, उसने कुफर किया। कुफर करने के भी लेवल्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगी। इसी तरह दाढ़ी जो है वो मर्द पर, अच्छा, मुसलमान मर्द पर फर्ज है, लेकिन वो जब उसका वाह, इनकार करता है तो वो वाला कुफर करता है, यानी कि मैं अल्लाह के हुक्म का इनकार करता हूँ। और एक काफिर वो होता है जो कहता है कि अल्लाह के तमाम अहकामात जो है वो मैं नहीं मानूंगा और मैं इसका इनकार करता हूँ, तो वो तो पूरा पूरा काफिर हो जाता है, वो पूरा बाहर हो जाता है। अब आप जो दाढ़ी अच्छा नमाज अच्छा 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 ये यानी कि आपने होता एक दायरा बनाया है काफिरों का, ये है, दायरा मैंने नहीं इसके बनाया ये, ये दायरा है एक हाँ और। हाँ बात सुन लीजिए, ये मैंने नहीं बनाया, ये फिका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही बताया है। अब देखें, एक आदमी जानबूझ के नमाज छोड़ता तो क्या नबी ने उसको ये कहा कि तुम जाकर कलमा पढ़ो? नबी ने कहा जाओ अपनी नमाज पूरी करो। तो नबी ने क्या बताया हमें कि है तो कुफर ने, एक तरफ आपने कहा कि नमाज छोड़ना, नमाज जो है वो ईमान की अलामत है, तुम में और मुशरिकों में फर्क जो है वो सिर्फ नमाज का है। फिर आपने कहा जानबूझ कर नमाज छोड़ने वाला काफिर है, लेकिन जब एक आदमी आया और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी नमाज मैंने छोड़ दी, तो आपने उसको ये नहीं कहा कि जाओ कलमा पढ़ो, आपने कहा जाओ नमाज पूरी करो। आई समझ बात? तो ये मेरा फिका नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तरीका। आगे समझ भाई? तो ठीक है, आप मुझे एक बात बता दें, अगर जिसने नमाज छोड़ा तो आजकल के दौर में आपको पता है ना कि कितने लोग नमाज छोड़ते हैं बिल्कुल और वो फिर छोड़ते पढ़ते भी नहीं है। शायद वो लोग, देखो, शायद वो लोग अल्लाह से माफी भी नहीं मांगते हैं और दोबारा वो पढ़ते भी नहीं है, तो नहीं या क्या ये लोग दीन से खारिज हो गए सारे? ना, मैंने आपको क्या ये लोग क्यों काफिर हो नहीं, गए? नहीं तो शक्कत भाई, मैंने अभी आपको यही तो बात बताई कि जब नबी के पास एक शख्स आया या कई लोग आए और वो बताते थे कि हमारी नमाज छूट गई या हमने फलां वजह से छोड़ दी, तो वो छोड़ी तो जानबूझ के ना, तो नबी ने उनको क्या कहा था कि जाओ पूरी कर लो। अब अगर कोई ये सुनने के बाद भी पूरी ना करे तो वो जाहिर सी बात है अपने गुनाह बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। इसी तरह जो आप बाकी लोगों की बात कर रहे हैं, अब हमने सबका तो तो नहीं गुनाह बताया, बढ़ाना, देखो, गुनाह बढ़ाना और काफिर कहना अलग अलग हो गई। आप इनमें से एक को आप चूज कर निशानी लो, या काफिर के हो मैं बताती हूँ। या गुनाह बढ़ाने की बात करो। देखो मेरी बात सुनो, ये मेरे अल्फाज तो मेरे भाई है नहीं ना, कि नमाज हाँ, जानबूझ तो कर जो भी छोड़ने है वाला आप कह रही काफिर है ना, आपके अल्फाज हो गए अभी, फिर नहीं, नहीं आप नहीं अपने नहीं अल्फाज पे गौर करके बड़ा करो फिर, मैं शफकत भाई, या काफिर शफकत बोलो भाई या बोलो कि अच्छा वो मुझे ये गुनाह में बताओ, इजाफा कर रहे हैं, आप इन दोनों में से एक को नमाज, सेलेक्ट बात करो। सुनो ना, आप नमाज को फर्ज समझते हैं कि नहीं समझते हैं? मुझे इस चीज का जवाब मैं दीजिए। फर्ज समझता हूँ नमाज को, मैं समझते फर्ज हैं, समझता हूँ। तो अब आप भी फर्ज मानते हो, मैं भी फर्ज मानती हूँ। नबी ने भी कह दिया कि जिसने जानबूझ के फर्ज नमाज छोड़ी वो गोया उसने कुफर किया। ये बात तक आप और मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हम सब जो अल्लाह हाँ की ईमान रखते हैं ना। हाँ अब बिल्कुल इसके बाद बिल्कुल, ये बहस करना कि मैं काफिर बना रही हूँ, भाई मैं तो काफिर नहीं बना रही ना, नबी ने क्या कहा कि उसने कुफर किया। अब कुफर क्या होता है? कुफर मतलब इनकार किया। किस चीज का इनकार किया? अल्लाह के और अल्लाह के नबी का हुक्म का इनकार किया। अब इसमें तुम लंबी बहस कर रहे हो कि मैं काफिर बना रही हूँ, मैं नहीं बना रही मेरे भाई। अब वो जो कुफर है ना उसकी लेवल तो ये है, सही, आप अगर नहीं बना रहे हैं तो मतलब आजकल के दौर में हम टोटल मिला के मुसलमानों के 73 फिरके सब के सब काफिर हो गए। मेरे भाई ये क्योंकि मैं देख रहा कुफर होता हूँ कि मेरे पास जितने भी फिरके के लोग हैं, मैं जहाँ पे काम करता हूँ, वो लोग तो रोजाना के बेस पे नमाज कजा करते हैं सारे। मतलब मेरे पास ऑलमोस्ट 3-4 फिरके के लोग हैं, वो हाँ सब नमाज कजा करते हैं और बिल्कुल वो सब सही रोज गालियां देते हैं और वो सब रोज बुराइयां करते हैं और वो कह सब हजारों कसम के शरीयत के रहे खिलाफ हो, जाते हैं। तो यानी कि मैं मतलब परफेक्ट तो आप बताती भी हूँ। नहीं नहीं हो और मैं भी नहीं नहीं हूँ। नहीं नहीं शफकत भाई, आप परफेक्ट हो आपके हिसाब से, शफकत आप भाई परफेक्ट हो। बात सुनो, बात सुनो, अगर वो लोग हाँ जिनके साथ आप काम करते हैं वो अगर नमाज छोड़ते हैं, तो आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि एक नमाज जानबूझकर छोड़ने की वजह से एक एक मुसलमान जो है वो 70,000 साल दोजख में जलेगा। अब जब हमें ये पता है कि एक नमाज छोड़ने के बाद ये सजा मिलनी है, उसके बावजूद भी जो लोग नमाज छोड़ते हैं वो 70-70 साल हर हर नमाज के बदले जो है वो जला करेंगे, अल्लाह हमें महफूज रखे, तो ये तो यही तो माशा, असल है मेरे भाई, यही तो हमारा इम्तिहान है कि हम सारे काम छोड़ के नमाज पढ़ते हैं या फिर हमें उस आखिरत का खौफ, क्योंकि ईमान तो हम रखते हैं ना कि आखिरत भी आनी है, जन्नत दोजख भी है, तो जब पता है कि ये जिंदगी हमारी 40 साल, 50, 60, बड़ी हद तक 90 साल, ठीक है, उसके बाद तो मरना ही है, जी तो जब मरने के बाद जी एक एक नमाज पर हमारा हिसाब ये होना है कि 70-70 साल हमने, नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह हमें सबको महफूज रखे, आपको भी महफूज रखे, आमीन, सबने वहां पर आमीन। अपनी कजा नमाजों के वास्ते जलना है, तो भाई अगर उनका तो हम फिर यही कहेंगे ना कि उनको दीन इस्लाम का कोई डर नहीं, उनको अल्लाह का खौफ नहीं जो छोड़ते हैं।
लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं है मेरे भाई, सारे लोग ऐसे नहीं है। जो जो कुरान में एक आयत है कि जन्नती जो है ना, वो जब उनको आवाजें आएंगी दोजख में, मकालमा है दोजखियों को दोजा से जन्नत आवाज में, आएंगी। हाँ, तो वो जन्नती ठीक है। पूछेंगे, उसको पूछेंगे कि तू तो बड़ा ही अच्छा आदमी था, तूने तो सारे अहकाम हाँ पूरे किए, तू यहाँ पे दोजख में क्यों जल रहा है, इस तरह के जुमले लिखे हुए तुम्हें अल्लाह ने दोजख में क्यों पढ़ा है। डाला। तो वो आगे से कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, ये जुमला है, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। सोचो, तब अल्लाह ने कुरान बिल्कुल में बिल्कुल। लिख दिया कि नमाज ना पढ़ने वाला दोजख में जलेगा, गो के उसने बड़े अच्छे काम किए और वो ईमान लाया था। तो तुम सोचो कि हर चीज मेरे भाई, ईमान भी लाना है, नमाज भी पढ़ना है, शरीयत के सारे अहकाम भी मानने हैं, बुराई से भी बचना है, लोगों के साथ भी अच्छा सलूक करना है, सबका हिसाब होगा। ये नहीं कि मैं अच्छा काम सबका किया, हिसाब होगा, ये सबका नहीं हिसाब होगा। होगा। देखो मैं, देखो एक निचोड़ यह है बात का, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मेरे मोबाइल में मैं देख रहा हूँ कि चार्ज भी। हेलो, को आवाज आ रही है? हाँ, बात आ रही देखो मेरे है। मोबाइल में चार्ज भी देख रहा हूँ कि बिल्कुल अभी तकरीबन 5% रह गया है, तो ये कोई मोबाइल चक्कर कभी ना कभी शट नहीं। डाउन हो जाए। तो ठीक है, तो इसका मतलब खुलासा इस तरह है ना कि देखो इंसान चाहे किसी भी मसलक में हो, किसी भी फिरके में हो, मेरे हिसाब से इंसान के ऊपर जो जिस फिरके में जिस तरह का नमाज फर्ज है, वो अपने नमाज को फर्ज समझ के पढ़े नहीं ना मेरे पढ़े, भाई, उसमें कुदाही ना करे, उसमें कुदाही ना करे। नहीं चलो नहीं ठीक शक्कर है, भाई, आप शक्कर भाई से मेरी देखो, आखिरी आप बात जिस सुनो, फिरके में तुम्हारा हो शायद फोन आप। बंद हो जाएगा, तुम्हारा फोन बंद, मेरी आखिरी बात हाँ मेरे भाई सुन लो। देखो हर कोई अगर हाँ अपने अपने तरीके से नमाज पढ़ने लगा और अपने मसलक के हिसाब से पढ़ने लगा, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुमला था कि तुम वैसा ही करो जैसा तुम मुझे करता पाते हो, नमाज भी ऐसी पढ़ो जैसा मैं, इवन के पीछे से लोगों ने गलत तरीके से सलाम करना शुरू किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी पीछे भी आंखें हैं, मैंने उनसे देखा कि तुम लोग जो है ना वो इस तरह सलाम कर रहे हो, ये इस तरह मत करो, जैसा मैं करता हूँ वैसा करो। तो नबी तो हुक्म ये करते थे ना मेरे भाई कि तुम मेरी तरह नमाज पढ़ो। अगर देखो तुम हर देखो कोई अपने अपने तरीके मैडम, से करेंगे तो इस्लाम की शक्ल क्या बाकी रहेगी, चार लोग वहां खड़े हो जाएंगे, चार लोग वहां, इस्लाम तो बिखर जाएगा। हम तो इसलिए अल्लाह के प्यारे हैं क्योंकि हम एक ही तरीके पे चलने वाले हैं ना शफकत भाई, अगर हर कोई अपना अपना कर लेगा तो इस्लाम नहीं बचेगा, उसकी शक्ल क्या बन जाएगी, आधे लोग दुआ पढ़ रहे हैं, आधे जो है वो दोनों पढ़ रहे हैं, तो आधे जो है यही तो इस्लाम का, देखो इस्लाम का यही तो खूबसूरती है। इस्लाम हर एक को, नहीं। हर एक के लिए इस्लाम ने, हर एक के लिए इस्लाम ने मतलब मौका तुम्हारी दिया कि बात भाई की तुम दलील किसी की भी क्या तरह रही, से ना मेरी बात सुनो, तुम ये बात कर रहे हो मैं ना दलील भी दे दूंगा। मेरे देखो प्यारे भाई, मैंने कहा ना, मेरे मैं बड़ा प्यारे आलिम नहीं हूँ, भाई, मैं दलील लाऊंगा, लेकिन दलील के लिए मुझे टाइम चाहिए होगा, मैं हाँ आहिस्ता आहिस्ता लेके आऊंगा। मैं वैसे आपके उसमें नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन काफी टाइम से मैं सुनता रहता हूँ। कोई ठीक है, बात हमारे नहीं, लोग ऐसे पता है ना कि नीम हकीम वाले लोग आते हैं तो वो थोड़ा आपको नहीं गुस्सा दिलाते हैं, थोड़ा खुद गुस्सा हो मुझे जाते हैं। पता। देखो इसके लिए टाइम चाहिए होता है, हमें देखो स्टडी करने का इतना मौका नहीं मिलता है, स्टडी करता रहता हूँ मैं भी, लेकिन देखो इसके लिए थोड़ा परफेक्ट होना पड़ता है। जिस तरह आप 24 घंटा चैनल पे बैठ के ये स्टडी करते हैं ना हमारे खिलाफ, के खिलाफ नहीं, मैं खुद आगा खानी रह हाँ चुकी हूँ, खिलाफ नहीं इसलिए बोला मैंने अभी। मुझे मुझे हाँ मुझे इसलिए पता है कि जो पता है। आखानी हाँ से ही कन्वर्ट होते हैं ना, जो आखानी से कन्वर्ट होते हैं ना, तो मुझे पता है कि वो लोग ही इस तरह बातें कर सकते हैं। असल में मैंने एक बयान सुना है, वो देखता हूँ कि वो सही हदीस में सही या नहीं है, कि जो अपना दीन जिस दीन में है वो छोड़ देता है वही लादीन हो जाता है। तो शायद ही आप लादीनों में से हैं, क्या पता मुझे, लादिन तो मैं तो इसके खिलाफ भी नहीं, कोई, आप वो हदीस हाँ पढ़ लादीन दो, मतलब दीन से निकल गए, वो दीन से देखो निकल गए। आप मैं देख इंडिया से कन्वर्ट हो क्या है, जो ईरान में थे वो पारसी थे, वो आग की पूजा करते थे, तो उस हिसाब से तो आप लोगों को इस्माइली भी नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को तो अपना दीन छोड़ना ही नहीं चाहिए था आबा अजदाद को, तो आप तो आप लोगों के जो देखो आबा अजदाद थे वो मजूसी थे, पारसी थे, आग की पूजा देखो करते थे ना, ये सोच लो। और सैयद का काम है प्रीच करना, तो आप मुझे ये बताओ कि आप प्रीचिंग किस हिसाब से करोगे, इस्लाम के हिसाब से करोगे या हाजिर इमाम के हिसाब से करोगे? हम इस्लाम के हिसाब से करते हैं, और इस्लाम हाजिर इमाम से जुदा इतना नहीं है जितना आप समझते हो। जुदा है देखो मेरे भाई, इस्लाम के अंदर जुदा हाजिर इमाम का रोल, देखो हाजिर है इमाम को जाहिरी हिसाब से नहीं देखो। हाजिर इमाम देखो इस्लाम के ना दो दो पहलू होते हैं, एक जाहिरी पहलू होता है क्या? और एक बातनी पहलू होता है। आप अभी लेके जो चल रहे हो ना, इस्लाम के जाहिरी पहलू लेके बहुत पीक पे गए हो और इस्लाम की बातनी पहलू को छोड़ चुके हो। कि मैं आपको एक बात बोलूंगी उसके बाद आप हाँ थोड़ा हाँ रिसर्च करना,
जाहिरी और बातनी दोनों पहलू होते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि बातनी पहलू जाहिरी का रद्द करता हो। दोनों साइड बाय साइड होते हैं, कोई अंतर देखो, नहीं होता। रद्द नहीं करता, यही तो कह रहा हूँ ना, रद्द नहीं करता। जाहिरी और बातनी पहलू आमतौर में पे रद्द होता है। एक तरफ अगर अल्लाह सुब्हान वाला ट्रांसलेट फरमाते हैं कि नहीं, जाहिरी नहीं की मैडम, पोटली ना नहीं रखो, खाओ नहीं नहीं पियो। नहीं आपने अपने हिसाब से तर्जुमा कर दिया। अभी जो आपने बातें कही कि ये आपने ये पार्ट में ये मांगा वो मांगा, इन सब का मैं आपको लिंक करके दिखाऊंगा कि ये कैसे लिंक होता है आप एक कुरान के काम साथ कीजिए, और ये कैसे लिंक होता है, ठीक अच्छा है, आप लिंक ये कैसे करेंगे, लिंक होते हैं कुरान के साथ आप और ये मुझे कैसे टाइम लिंक होते दीजिए, हैं आप हदीस के साथ। मुझे टाइम मैं दीजिए आपको कि टाइम दे दूंगा। देखो मैं अभी नहीं बता सकता, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ और मैं सोशल जो वो काम होता है ना इसमें बहुत इंगेज रहता हूँ। अभी भी रिसेंटली मुझे एक अस्पताल जाना है, वहां से हमारी मीटिंग है, इस तरह सोशल मीटिंग ही होता है हमारे, तो उसमें जाना है, इसके बाद वापस मेरे को दो तीन जगहों पे चलना है, तो इस तरह के वो टाइम मैं आपको बता नहीं सकता मैं कब निकालूंगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं थोड़ा टाइम निकाल के आपके कुछ बातों के मुनासिबत से चलो कोई आपको रिफ्रेश लेके आऊंगा और फिर आपसे ठीक बात है मेरे करूंगा भाई, इंशाल्लाह। ठीक ठीक है मैडम, है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है बहुत मैडम, अल्लाह जफ़त भाई आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ओके मैडम, ओके, ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।